नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मलूक जी सबसे रिच कैंडिडेट्स में से एक आपका नाम हुआ करता था, आरएलडी आपने ज्वाइन कर ली है, किस तरीके का माहौल इस वक्त आपके कानों में पहुंच रहा है? बड़े दिनों बाद मायावती जी हमको दिखी, वोट डालने पहुंची थी। देखिए, जो अमेठी की बात हो रही है और हमारे साथी पूनावाला साहब कह रहे हैं 1,25,000 से हम जीतेंगे, अगर 1,25,000 से जीतेंगे जो पूरे देश में जो फिर बदनामी हुई है कि राहुल गांधी जी रायबरेली चले गए और जो हमारे दूसरे साथी तो ये कहते हैं कि भाग गए, मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा, तो फिर एक फिर वो यहाँ से क्यों नहीं लड़े? कहने में तो कुछ भी नहीं जाता, कोई कुछ भी बोल दे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को ये था कि वहाँ से जीतना मुश्किल है, इसलिए रायबरेली वो शिफ्ट हुए हैं और पिछली बार हार ही गए थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो पूरा अमेठी का जो पूरा क्षेत्र का, एक तो वो लोकल हो गई वहाँ की, वहाँ घर बना लिया, वहाँ वोट हो गई उनकी जो इन्होंने आज तक नहीं कर पाए थे वहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है रूबिका जी, वो सीधा 370 और जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। जो कश्मीर में 29.4 गुर्जर मुसलमान हैं जो करीब 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे हैं, तो जो 5.5 लाख मुसलमान हैं अमेठी में, उनमें 3.5 लाख गुर्जर मुसलमान हैं जो 370 के बाद, जब 370 हटा तो वहाँ मिठाइयाँ बटी मुसलमान। आप कह रहे हैं कि अगर अमेठी जीती रहे थे, और बिल्कुल वाजिब सवाल है, तहसीन के पास भी जाएंगे इसको लेके, मैं जवाब दे देता हूं कि अमेठी जीती रहे थे तो राहुल गांधी खुद क्यों नहीं लड़े? अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 370 अगर इतना बड़ा फैक्टर है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही कश्मीर में? अगर 370 पे तो वहां पे तो लड़ना चाहिए था। देखिए, कुछ सीटों पे लड़ रही है और कुछ सीटों पे सपोर्ट कर रही है, वहाँ के जब रिजल्ट आएंगे तो वहाँ भी कश्मीर का भी पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पे कभी 10-12 लाख लोग नहीं, 10-12 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, 17 सितंबर 2023 को मैंने इतनी बड़ी रैली करी है वहाँ लाल चौक पे, बिल्कुल लाल चौक के बराबर में पार्क में। तुम आज हालात तो वहां से नहीं, तो श्रीनगर से चुनाव तो लड़ना चाहिए था ना फिर बीजेपी को। देखिए, एक बिल्कुल सीधी सी बात है, जहां पे परसेंटेज 5-7%, 8% हुआ करती थी, वहां कश्मीर में कितना परसेंट, जम्मू कश्मीर में कितना परसेंट वोट ऊपर बढ़ा है, जहां पूरे देश में घट रहा है, पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कतराई क्यों, उतर जाती ना मैदान में, एबीसी पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी कतराए क्यों अमेठी से, वही सवाल आप पे कश्मीर का है। आपको एक मिनट रोको, परेश रावल कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लो। कुट न कुट तो सदा या रिएक्शन तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए, पर उसके बाद उससे पहले क्या कहता हम नहीं सुन पाए। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भाटी जी, आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके की आपको हवा दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश में रूपिका जी, जब चुनाव शुरू हुआ था पहले चरण का 19 अप्रैल में वोट पड़ा, तब थोड़ी थोड़ी बीजेपी के खिलाफ हवा चलनी शुरू हुई, जो अब पांचवा चरण आते आते वो आंधी में बदल चुकी है, तूफान में बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तंबू उखड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उसके नेताओं के चेहरों पर, उनके बोलचाल में, उनके भाषणों में, उनके बयानों में ये बौखलाहट साफ दिखाई देती है, निराशा साफ दिखाई देती है, हताशा साफ दिखाई देती है, विपक्ष को गाली देने लगे हैं और पाकिस्तान, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं, जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे मुंह छुपा रहे हैं, उनसे आंख उड़ा रहे हैं। और जो दावे करते थे कि हमने इकोनॉमी बढ़ा दी, रोजगार दे दिया, आज हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कि अपने भाषणों में उसका जिक्र तक कर सकें, रोजगार का जिक्र कर सकें, महंगाई का जिक्र कर सकें, किसान की MSP का जिक्र कर सकें। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं तो बोल सकें, हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं। राजकुमार भाटी जी, सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुना आपने, तंबू खड़ गया है आपका। भाटी जी कह रहे हैं रोजगार पर रह नहीं निकल पाएगा, लेकिन माँ पे मुसलमान, माँ पे मछली, माँ पर और क्या है भाटी जी, मतलब जितने भी मुद्दे, हाँ मंगल सूत्र, हाँ माँ पे मंगल सूत्र,
यादव जी ये सब निकल रहा है। देखिए रूपिका जी, जब हवा चल रही थी तब तो समाजवादी पार्टी टिक नहीं पा रही थी, अब आंधी चलने लगी है तो इनका क्या हाल होगा मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। इनकी हालत वो हो चुकी है जिनको पहले पता था कि हमारी दुकान समट चुकी है, वो आज नई नई बात करना चाहते हैं। चलिए हम तो म से म कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, आप प से पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं भैया? आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी? आपको किसने कहा था कहने के लिए कि पाकिस्तान का सम्मान करो? आपको किसने कहा था कहने के लिए कि वोट जिहाद करो? आपने मुद्दों पे बात करी, मैं करता हूं मुद्दों पे बात। आप कह रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते रोजगार पे बात करने के लिए, हम करेंगे रोजगार पे बात। हमने जितने आपने अधिकतम सरकारों में रोजगार दिया उसका 1.5 गुना ज्यादा रोजगार हमने दिया है। डिजिटल सेक्टर में 7 करोड़ का रोजगार हमने दिया है। हम करेंगे महंगाई पर बात, क्योंकि आपके कार्यकाल में दुनिया की अधिकतम, देश की अधिकतम महंगाई रही और हमारे कार्यकाल में कभी डबल डिजिट पे भी नहीं गई, तो हम बात करेंगे। पर आप लोग अगर इस पे बात करने लगेंगे, विकास पे बात करने लगेंगे, कितनी मेट्रो सिटी हो गई, कितना देश में हाईवे आ गया, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कितने नए एम्स बन गए, कितने नए यूनिवर्सिटीज आ गई, कितनी नई मेडिकल सीट्स आ गई, तो भाटी जी समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको जाकर के कहना पड़ता है कि वोट जिहाद करिए, क्योंकि शायद वोट जिहाद का नारा देकर के आप जीत जाएंगे। इसलिए नेता को वहां बैठ करके कहना पड़ता है कि हम संपत्ति लेंगे, असेसमेंट करेंगे और फिर एक क्रांतिकारी निर्णय लेकर के आएंगे। ये मुद्दा था, आपने बनाया मुद्दा, ये कौन सा मुद्दा हुआ? इसलिए रूपिका जी इनकी सच्चाई तो देश के सामने एक्सपोज्ड है, लोग जानते हैं, मतदान करने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पता है कि अगर देश की प्रगति की राह को चलते रहने देना है तो इस देश में एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि जीत जाएंगे तो 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा? यादव जी, यादव जी, सारी बात सुन ली आपकी, भाटी जी जवाब देना चाहते हैं और तहसीन पूनावाला भी इंतजार कर रहे हैं। लहर लहर चल रही है सिद्धार्थ जी के हिसाब से, भाटी साहब कहां पड़े चक्कर में? अभी सिद्धार्थ भाई ने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान को अगर सबक सिखाने का काम और पाकिस्तान को औकात बताने का काम और कंट्रोल में रखने का काम और उसके दो टुकड़े करने का काम अगर किया है तो इंडिया गठबंधन के दलों ने किया है। चाहे तो कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को दो हिस्सों, पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, या जब नेताजी नहीं, कांग्रेस को भी दो हिस्सों में बांटा ही था, सही कह रहे हो आप, पाकिस्तान को भी बांटा था, कांग्रेस को भी बांटा था। जब बॉर्डर के दौरे पे गए, आपने किस्सा जरूर सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, नेताजी ने पूछा ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, बोले आप क्यों नहीं कर रहे, बोले हमें आदेश नहीं है दिल्ली से, नेताजी ने कहा वो एक बम गोला फेंके तो तुम 100 फेंको एक साथ और तभी से फायरिंग शुरू हो गई और पाकिस्तान की तरफ से जो बदतमीजी होती थी सीमा पे वो नेताजी ने बंद कराई। आप मतलब आपके नेता बस लेके वाजपेयी जी गए, जिन्ना जी के मजार पे आडवाणी जी गए और बिरयानी खाने मोदी जी गए बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम के। आप आज चुनाव में पाकिस्तान उठाते हैं, वैसे पाकिस्तान से गलबैया करते हैं। एक छोटा जवाब अवसर दीजिएगा। ओके ओके सिद्धार्थ, एक छोटा सा जवाब देते हो, देखिए रूपिका जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मोनिका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। देखिए रूपिका जी उन्होंने स्वयं क्या कहा, भी बॉर्डर पे जब रक्षा मंत्री पहुंचे तो उनको पता चला कि गोली का जवाब नहीं दिया जा रहा था, दिल्ली से आदेश था कि कुछ नहीं करना, तब श्रद्धे मुलायम जी को जाकर के कहना पड़ा गोली के बदले बम चलाओ। अरे मुलायम जी थोड़े दिन लेट हो जाते तो क्या बॉर्डर पे ऐसे ही चलता रहता, गोलियां चलती रहती, दिल्ली के आदेश में चुपचाप बैठे रहते। कमाल बात कर रहे हैं भाटी जी, और आपने क्या 26/11 का जवाब दे दिया था। आज सबसे ज्यादा अगर कुछ चलना चाहिए तो वो वोटिंग चलनी चाहिए, ये तो आप दोनों मानेंगे, बिल्कुल चलनी चाहिए और वोटिंग देश के पक्ष में चलनी चाहिए। एब्सोल्युटली, लोकतंत्र में जो उम्मीदवार आपको पसंद है आप घर से बाहर निकलिए, 695 उम्मीदवार इस वक्त 49 सीटों पर मैदान में डटे हुए हैं, आप निकलिए बाहर और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। और ये स्मृति ईरानी अमेठी में वोट डालने के लिए पहुंची है, पहली तस्वीर उनकी। 9:18 हो रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी में पिछली बार जीती, उससे पहले 2014 में जब आई थी हार गई थी, फिर उसके बाद मतलब तब वो कहती है कि बूथ पर मुझे एक शख्स नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और उसके बाद पिछली बार भारी मतों से चुनाव जीती। इस बार एक बार फिर से मैदान में है, राहुल गांधी नहीं है इस बार उनके सामने, लेकिन स्मृति ईरानी न सिर्फ उम्मीदवार है बल्कि वोटर के तौर पर भी आज वो अमेठी में मतदान करेंगी। और स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में KL शर्मा, जो कि कांग्रेस के लॉयलिस्ट वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं, पुराने नेता हैं, वहां अमेठी के हर घर को, वहां के हर बच्चे को नाम से जानते हैं, लेकिन यही काम स्मृति ईरानी ने भी किया है और ये तस्वीरें आपके सामने अमेठी से। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, अब अमेठी से वोटर भी
अमेठी की सांसद और अमेठी से वोटर भी वहां वोट देने पहुंची हैं। लाइन में लगी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी की, जो अमेठी में वोटिंग करने पहुंची है। उनके मुकाबले इस बार, पिछली बार राहुल गांधी थे, इस बार राहुल गांधी नहीं है, इस बार KL शर्मा साहब हैं जो पॉलिटिकल मैनेजर रहे हैं वहां पर कांग्रेस के बहुत दशकों से। इसलिए कहा जाता है कि वो अमेठी को अच्छी तरीके से जानते हैं, रायबरेली को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मैनेजर हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने पिछली बार राहुल